चंदौली में नामांकन का दौर शुरू है। भारतीय जनता पार्टी के सेनराजा से विधायक सुशील सिंह ने आज नामांकन किया है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में जो चुनाव है 7 मार्च को चंदौली में, क्या वो करेंगे, क्या रणनीति होगी। सुशील जी, आपने नामांकन किया, विधायक हैं वर्तमान में, क्या ऐसी परिस्थिति रहेगी कि आप अपने जो विरोधी है वो कहते हैं कि हम मदारी और डमरू की बात बहुत करते हैं वो? अब देखिए, आप सब जानते हैं, जनता उनको कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। जनता जो कहती है वो भी हम कभी कभी कह देते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा सिर्फ विषय है विकास। हम विकास हमने पहले भी किया है और आगे भी हमें विकास करना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो कभी विकास की बात नहीं करते, ना कभी उन्होंने विकास किया है। अगर विकास उनको देखना है तो गाँव में वो जा रहे होंगे तो उनको एहसास हो रहा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ अपने विधानसभा के लोगों से कि जरूर 2 साल कोरोना की वजह से हम जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन लोगों का आशीर्वाद रहेगा और सरकार योगी जी की बनने जा रही है। जो अपने सपने हैं उस सपनों को हम लोग आगे की सरकार में पूरा करेंगे। मेडिकल कॉलेज जनता को मिला, आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है जीतेंगे, सरकार होगी तो क्या देंगे? अभी बहुत कुछ मिलेगा, अपनी सैयदराजा की विधानसभा की जनता को बहुत कुछ मिलेगा, देखते जाइए। ये है सुशील सिंह जी, इनका कहना है कि बहुत कुछ मिलेगा, मेडिकल कॉलेज तो मिला ही है, उसके बाद भी बहुत कुछ मिलेगा। शशांक शेखर पांडे, ABP गंगा, चंदौली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।